हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हो। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर 6.17 पी ओ क्यू इज अ लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू, ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो हमको दे रखा है हमारा ये आर ओ एस, आर ओ क्यू हमारा है एंगल आर ओ क्यू 90 डिग्री, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस हमारा ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, और एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस ये हो जाएगा 180 डिग्री। सो तो एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 2 एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस, ये हो गया। तो अब हमारा आ जाएगा एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 2 एंगल आर ओ एस प्लस 2 एंगल पी ओ एस, ये हो गया। अब ये जब इधर आएगा तो एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू 2 एंगल आर ओ एस, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो प्लस एंगल पी ओ एस बचा। और जब इसको हम इधर ले आते हैं तो 2 एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, ये जब इधर ही रह जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये हो गया। तो हमारा एंगल आर ओ एस हो जाएगा हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो ये यही हमको प्रूफ करना था, तो हम लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड, ये हो गया। करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। हमको सिक्स्थ क्वेश्चन में दे रखा है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, एंगल एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई जेड क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो हम इसमें डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारी एक लाइन है, ये पॉइंट है एक्स, ये पॉइंट है वाई, और ये एक पॉइंट बन गया हमारा पी। तो ये हो गया। अब एक एंगल बन रहा है इस तरफ की ओर, ये हमारा जेड एक्स वाई जेड हमको दे रखा है 64 डिग्री, तो 64 डिग्री हो गया। अब इन दोनों के लिए बाइसेक्ट कर रहा है हमारा क्यू, क्यू वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा एक्स, दोनों बाइसेक्ट कर रहा। तो ये था हमारा पूरा डायग्राम। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल जेड वाई पी, तो हमारा एंगल जेड वाई पी हो जाएगा 2x। तो अब हम इसमें ये तीनों का हम जब सम करेंगे तो 180 आएगा। तो हम कर लेते हैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी, ये पूरा हो गया हमारा। तो आ जाएगा हमारा 180 डिग्री, तो एंगल जेड वाई पी हो गया 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64, तो 2x इज इक्वल टू 116 डिग्री, तो हमारा x हो जाएगा 58 डिग्री। अब हमको क्या पूछ रहा है, एंगल z, एंगल xyq, x
वाई क्यू। तो अब हम इसको देखते हैं, 64 को हम जब एक्स से प्लस कर देंगे तो आ जाएगा एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस 64। 58 प्लस 64 हमारा आ जाएगा 122 डिग्री। अब हमको रिफ्लेक्स चाहिए तो हम ये QYP इसका हमको रिफ्लेक्स चाहिए तो हम 360 माइनस 58 डिग्री, तो आ जाएगा हमारा 302 डिग्री। ये था हमारा 5th और 6th क्वेश्चन। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।